मुश्रिकों को कभी अल्लाह का घर आबाद करते न देखा। और अल्लाह का घर कौन आबाद करेगा? इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर वअकाम सलात। मेरा घर तो सिर्फ ईमान वाले आबाद करते। आज कहां है भाई मस्जिदों का आबाद करने वाला मजमा? पूरी दुनिया में 1% मुसलमान के पास टाइम नहीं अल्लाह का घर आबाद करना। अल्लाह ने मुसलमान के अस्पताल पागलखाने जिनखाने आबाद कर, अल्लाह ने घरों को बर्बाद कर दिया। तो मैं मस्जिद को आबाद नहीं करेगा, मस्जिद बर्बाद देगी। अल्लाह मुझे आबाद नहीं करता, इसका घर बर्बाद कर। मेरे दोस्तों मस्जिद आबाद कौन करेगा? तो मैं जिसको कसरत से मस्जिद का आदि देखो इसकी ईमान की गवाही दे। मेरे दोस्तों अजान नमाज की दावत नहीं है सर, अजान दावत के काम है। अजान दावत के काम है, अजान को सुनो, किसी आलिम से उसका मतलब समझो। और है ये अलग सदा भी है, ये अलग फला भी है। आओ नमाज कायम करो, आओ फला फलाइया। फला अरबी में कहते हैं दुनिया आखिरत की कामयाबी को, फौज कहते हैं आखिरत की कामयाबी को। अल्लाह कहे मस्जिद आ तुझे यहाँ फला मिलेगी। इब्ने तैमिया फरमाते हैं अब्दुल्लाह ने जैसे मछली के लिए पानी ऐसी सुम्मत के लिए मस्जिद। जैसे मछली का रिस्क पानी में, इस उम्मत की रोजी पानी में मस्जिद। और हदीस की दुआ है जब मस्जिद में दाखिल हो अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मेरे लिए आसान कर रिस्क के सारे दरवाजे। मस्जिद की दुआ है, बाहर नहीं है रोजी, बाहर धोखा है नजर। इल्ला मताल गुरूर, सदके से माल बढ़ता है। कुरान कह रहे हैं हम 10 में से 5 लाख सदका दें, हमारी हाथ का माल घट गया। सूद से माल घटता है, कुरान कहता है तो यमकुल्लाहु रिबा, हम सूद में माल बढ़ता देखते हैं। मेरे दोस्तों ये नजर हमें धोखा दे रही है। हमारा रोजी वफिस समय रिस्कुम वमा तुकुन, रोजी जो वादा किया आसमानों में, हम धोखा खा रहे हैं जापान में, चाइना में और दुबई में। अल्लाह ने नाराजगी उठा के वहां फेंक दिया। कुत्ता सिफात वाला होता है, मालिक की बात माने। मालिक कुत्ते को घर में खिलाता है, उसके लिए पिंजरा बनाता है, बड़े बड़े जानवरों से हिफाजत करता है। मेरे दोस्तों इंसान मालिक की मानेगा, मालिक इसको भूखा मारता है? मेरे दोस्तों ईमान ईमान की अलामत बता रहा हूँ, ईमान की अलामत मस्जिद आबाद करना है, ईमान की अलामत हराम छोड़ना है। आज गुस्से पे पेट्रोल नहीं, गुस्सा हराम है। जबान पे गाली देना हराम है, गीबत करना हराम है, झूठ बोलना हराम। और मैं मेरा मुर्ती हर गुना कर सकता है, हर गुना कर सकता है, मेरा पति झूठ नहीं बोल सकता। मैं झूठ बोलने वाला इंसानी फितरत से बाहर, कितना झूठ है। नेकी तो गैर मुस्लिम से करते हैं, हराम से नहीं बच सकते। मैं जिसका कलमा हराम से ना रोके, इसका कलमा नहीं, जब ये पढ़ेगा इसके मुंह पे मार दिया जाएगा तो झूठ बोलता। ईमान क्या है मेरे दोस्तों? नंबर दो तकवा क्या है? अल्लाह कुरान में कहते हैं तकवे की अलामत क्या है? कानू कलील मिन अल्लैल मा याजऊन, ये रातों को बिस्तर पे बहुत थोड़ा सोते हैं। आज उम्मत फजर नहीं पढ़ रही 98%। कुरान क्या कह रहे हैं? ये तकवे की अलामत क्या है? रात को लंबी तहज्जुद पढ़ते हैं, सोते थोड़े। मैं ऐसे लोगों के साथ चलता हूं तो 3-3, 4-4 घंटे की माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। कुरान क्या कह रहे हैं? कौन है तकवे वाले? कबिल असहाब हम यस्तगफिर, ये रात को उठ के सहरी में रोते इस्तगफार करते हैं। आज तो मुसलमान सारे सो रहे होते हैं, हाँ बयान में रोते हैं, फजर में सोते हैं, बयान में रोना आ जाता है। रात सुनते हैं हम बड़ा रोते हैं, फजर में गाते हैं। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं ईमान वाला कौन है? तदराफा जुनूबुम अनिल मदाल यदुम रब्बुकुम तमा, ये ईमान वालों के बिस्तर इनसे जफा करते हैं, वफा नहीं, अलग रहते हैं। ये रातों को सोते नहीं, दिन में घोड़े की पीठ पे, रात को मसल्ले पे करते हैं। तकवा फरमाया तकवे वाले कौन है? भाई गाती मीन अल्लाह, ये गुस्से को कंट्रोल करते हैं। आज कितना गुस्सा हमारे अंदर भाई, वलाफिना नास, ये लोगों को माफ करते रहते हैं और ये तंगीरी और फरादी में खर्च करते रहते हैं। मेरे दोस्तों ईमान और तकवे की चंद अलामतें बताई आपको। फरमाया मेरे 4 जिसमें अलामतें, पक्का मुनाफिक है, जब बात करे झूठ बोले, वादा खिलाफी करे, अमानत में खयान करे खयानत, और जब लड़ाई हो गालम गलोच करे। फरमाया जिसका दिल मस्जिद में ना लगे ये निफाक की अलामत है, जिसका दिल बाजार में लगे निफाक की अलामत है। तब मोमिन से गुनाह हो जाए ऐसा जैसे पहाड़ गिर जाए। एक औरत से जिना होता अल्लाह के नबी के पास है, अल्लाह के नबी ने मुंह मोड़ लिया, 1, 2, 3, 4 का वो फिर का चौथी दफा मैंने जिना का जा बच्चा है का जन्म किया, वो बच्चा जन्म किया वापिस आई, अल्लाह के नबी जाएगी माफी अल्लाह से कराने की कोशिश करता आई कि अल्लाह के नबी हर दरमियान बच्चा हो गया का 2 साल इसको दूध पिला दिया। ये मोमिन औरत सुना, मोमिन औरत दूध पिला दिया 2 साल बाद आई कि अल्लाह के नबी हद लगाए, अल्लाह के नबी का चलो हद लगाओ संसार करो
उसको पत्थर पड़े खून उड़ा खालिद बिन वलीद ने कहा कितना नापाक खून है। अल्लाह के नबी के पैगाम में कहा खालिद इसका खून मदीने की जिस बस्ती पे पड़ता है सब की बख्श दिया। ये मोमिन है गुनाह हो गया गीबत जना से बड़ा गुनाह सूद खाओ में रिश्वत झूठ इतने बड़े बड़े गुनाह। एक गलती किया सारे सब ने मछली पकड़ी सब बंदर बन गए। झूठ बोलने वाला कितना दरिंदा बन जाता बड़ा तभी तो घर में जोड़ देंगे। एक नौजवान आजकल के नौजवान मेरे टाइम पे बस जा रहे हैं हजरत उमर का जमाना मस्जिद रास्ते में एक लड़की उसको रात में सीटी मारती थी इधर आओ नीचे नजर अल्लाह ने कहा नीचे नजर करके जाओ। इब्ने कसीर ने लिखा है इब्ने कसीर दो नंबर वाकयात नहीं लिखते रहमतुल्लाह अलैह। तो वो बंदा एक नौजवान एक लड़की की नजर पड़ी तो देखी लड़की खूबसूरत क्या उसको करीब 10 कदम और ऊपर देखा बेहोश हो लड़की भाग गई बाप वापिस इशारा देखा बेटा बेहोश चारपाई पे डाला पानी डाल क्या हुआ बेटा। तब मत पूछ अब्बा जान आज मैं अल्लाह की नफरमानी करने के कदम चलाऊं कल कयामत में अल्लाह के सामने कैसे करूं और चीख मारी इंतकाल करा। ये है मोमिन गुनाह कम करे मेरे दोस्तों और मुनाफिकों ने गुनाह ऐसे करेगा जैसे नाक पे से मक्खी उड़ाए कोई बात नहीं झूठी थे यार क्या तो घर में नहीं झूठ बोलना गुनाह कबीरा है और शिर्क के बराबर का गुनाह। पर मैं जो मजाक में झूठ बोलेगा जन्नत में फिरदौस में नहीं जाता मजाक का झूठ। अल्लाह के नबी से पूरी जिंदगी मजाक झूठ साबित हो। आपने एक बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया ने कहा अल्लाह के फिर दुआ करते मैं जन्नत में जाऊँ तब तू कभी जन्नत मिल जाएगी कोई बुढ़िया जन्नत मिल जाएगी। वो रो पड़ी रो पड़ी कहा मत रो तू जवान होकर जन्नत मिल जाएगी बूढ़ी मिल जाएगी। मेरे दोस्तों तो वो नौजवान मर गया बाप ने दफनाया उमर को बस चला गए कब्रिस्तान और कब्रिस्तान में जाके कहा कि ये नौजवान कौन है। अल्लाह कुरान के कहते वाले मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान जो कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया अल्लाह उसको दो जन्नत अता करेंगे। हजरत उमर सहाबा तबी खड़े थे आवाज आई कब्र से उमर तूने सच कहा मैंने दो जन्नत अता भी कर। मेरे दोस्तों हराम छोड़ना ईमान है। मैंने अमेरिकन पुलिस से जब कहा ना बहुत सारी बातें वो बता रहा था उन्होंने मुझे बताया कि दुनिया में इंटरनेट पे सबसे ज्यादा फारसी पाकिस्तान देखने में नंबर दो क्या करें सर हराम छोड़ना मेरे दोस्तों हराम नहीं छोड़ना ईमान कमजोर है तकवा नहीं है। गाड़ी है 5 करोड़ की एक्सीलेटर बगैर ब्रेक के आप चलाओगे 100 से ठुकेगी। आज हमारी गाड़ी है एक्सीलेटर है नहीं की हज हो रहे हैं उम्र लेकिन ब्रेक नहीं आराम पे सूद कम नहीं हो रहा हम आंखों से देख रहे हैं सब हमें कहते हैं झूठ खत्म नहीं हो रहा और ये बीमारियां फरमाया तुम्हारे गुनाह है और इनका इलाज इस्तिगफार है। मेरे दोस्तों ईमान तकवा बनेगा कैसे आपको बता रहा हूँ 5 मिनट 4 चीजें ईमान तकवा। पहली चीज ईमान तकवा बनता क्या आप सबको पता है डॉक्टर कहाँ बनता है ना पता है ना यूनिवर्सिटी में ना अच्छी बात है कोई घर में डॉक्टर बन सकता है एक बता दो कि बना हो दुनिया में। स्विमर कहाँ बनता है घर की बाल्टी टब में या स्विमिंग पूल में एक होगा कोई बाल्टी में स्विमर बन गया। खिलाड़ी कहाँ बनता है क्रिकेट घर में देख के या ग्राउंड जाकर पायलट क्या बनता है रक्षा में या हवाई जहाज में। मेरे दोस्तों ईमान और तकवा बनने की एक ही जगह है उसका नाम अल्लाह ने मस्जिद रखा और किसी जगह नहीं बनता। ये अल्लाह के नबी पहला काबा घर बना क्यों आदम इस्लामाबाद में पहला काबा और हजरत मोहम्मद सल्लम हिजरत के बाद सबसे पहले मस्जिद नबी बना। ईमान और तकवा बनने की जगह बस मस्जिद है। 1000 बयान सुन लो नेट पे और जो मर्जी कर लो हम जमा पेशावर गए क्वेटा तो दो आदमी थे वहां के सरदार वो हमें बातें टीवी पर ये और यू स्कॉलर और ये फला हम चुप रहे। तो एक दिन वहाँ से दो लड़कियाँ आई थी उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है लेफ्ट हैंडर है इसको सही दरबार बनाना है और ये राइट हैंडर है बाप कैसे बने। मैं कहा उसको 10 साल क्रिकेट खेला है बच्चे का पागल बना रहे टीवी देख के भी क्रिकेटर बना। मैं कहा आप 1 घंटे से हमें पागल बना रहे मैं इसको सुनता हूँ कि इसको ये टीवी से भी कोई दीनदार बना है दीन की नॉलेज कुछ और है दीनदारी कुछ और है हज कुछ और होता है हज कुछ और होता है। जुनेद्र ने हज पे गए 45 लाख हज कर रहे हैं। कहा हम हैरान में थे हमारा गश्त था 3 घंटे की बहुत हैरान में बहुत तकलीफ का गश्त गर्मी बहुत। जुनेद ने कहा सही पर इस दफा 45 लाख हज करने का। जुनेद भाई जबान करेक्ट करें 45 लोग हज करें हाजी कितने होते हैं तो अल्लाह ही हाजी क्या करता है हाजी सलाम बहुत करता है तलबिया बहुत पढ़ता है राम के आला और हाजी नरम कलाम करता है। ये हज मबरूर के 3 काम है सलाम को आम करना खाने खिलाना नर्म कलाम करना और तलबिये में चौथा काम तलबिया पढ़ना एहराम। अब हम 3 घंटे की वॉक पे गए एक हाजी ने हमें सलाम दिया ना हमने सलाम सुना और इतने झगड़े देखे आप सोच नहीं सकते।
किसी हाजी से हमने तलबिया नहीं सुना। मेरे दोस्तों ये हज नहीं है, एसी की तस्वीर है क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज कबूल हो जाए जिसका, वो मौत तक कभी फकीर नहीं होगा। आज हाजी कैसे फकीर? मेरे एक दोस्त ने हज किया उधार ले, अल्लाह की फजल से उसका हज मबरूर हुआ। इस पर 20 साल हो गए अपनी जेब से हर साल 100 आदमियों को हज कराता, अल्लाह गनी करते हैं हज से। आज हम फकीर हो रहे हैं, हाजी भी भीख मांग रहे। कुरान गनी ना करे, फरमाए मेरी उम्मत में से नहीं। सूरह वाकया जिस घर में पढ़ी जाए मगरिब के बाद फाका जो हो नहीं सकता। हजरत उस्मान गनी तानो है, अब्दुल्लाह बिन मसूद तेरी बेटियां बेटियां तुझे कोई माल गनीमत से लाओ कि मर रहे नहीं। मैं इनको सूरह वाकया सुनाया, मैंने अपने नबी से सुनाया, जिस घर में सोने से पहले सूरह वाकया पढ़ी जाएगी इस घर में फाका नहीं आ सकता। मेरे दोस्तों आज तो कुरान पानी से फाते आ रहे हैं, अल्लाह माफ कर, आंखों से देख रहा हूँ इसके बता। तो ईमान और तकवा बनेगा कैसे? मस्जिद नंबर एक। नंबर दो, रोजाना अल्लाह की बड़ाई को सुनना पड़ेगा। अल्लाह कुरान में मैंने सारे मुस्लिम दोस्तों को फोन किया कि गुमराही की वजह क्या थी। उन्होंने कहा एक बड़ी वजह, ये लोग अल्लाह की बड़ाई को सुनते नहीं थे। जहन्नुम में क्यों? जहन्नुम ही फरिश्ते पूछेंगे वकालू लकुन्ना नस्मा नाकुलु मा कुन्ना फी असाबिस सईर। काश दुनिया में अल्लाह की बात को सुन लेते या अकल आ जाती, आज जहन्नुम में ना होते। अल्लाह सुनने की इस्तेदार छीन लेता है। ये जो आज आप सुन रहे हो वल्लाह ये अल्लाह की अलामत है, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, वरना सुनने नहीं देते। वकान अल्लाह जैसे मुसम्मा, अल्लाह सुनने की इस्तेदार छीन लेते हैं। ये उठ के फरमाया कि मईशत, मुझसे लोग कहते हैं इमरान खान साहब आए मईशत का रुकी आपके कप्तान। वो मैंने कहा इमरान खान साहब तो मत बोलो, ये आसमान से होता है सब कुछ। अल्लाह कुरान में कहते हैं वमन आराधा दिग्री फइन्ना लहू मईशतन धनका, जो मेरे जिक्र से आराज करेगा मेरा जिक्र हो रहा है उठ के चला गया, मैं उसकी मईशत का सत्यानाश करता हूँ। सारा वजह कुरान हदीस में बताइए, वो नाशुर यौम कियामत यामा रहमत में अंधा उठाऊंगा मेरे दोस्तों। ईमान अल्लाह की बड़ाई सुनने से आज बुरा ना मानना। अभी मैं भुगतान आया हूँ, अल्लाह आप सब कुछ हदायत करते। आप बहुत जबरदस्त दोस्त, आपके जमीन पे को औलिया गुजरे हैं, इस वजह से माशाल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ। गला मेरा बंद हो गया, दो वो कलाकार गए थे ना, मैंने उसका नाम रख दिया गला तलक, उसने हमारा गला तलक कर दिया। मुल्तान में ही तकरीबन यही हाल, लेकिन मेरे दोस्तों बहुत खुशी है। लेकिन मैंने ना लोगों को देखा बैठ के क्या करते हैं, शहीद अनवर की तारीफ। यार शहीद अनवर कितना बदल गया मेरे दोस्तों, मखलूक की तारीफ से अजाब हो सकते हैं, खालिक की तारीफ से रहमत बदल। खालिक की तारीफ नहीं शख्सियात है। हदीस में चांद और सूरज को जन्नू में डाल दो, ये अल्लाह ने क्या किया? क्या तुझे मैंने अपने तारुफ के लिए बनाया था, लोगों ने तेरी पूजा की, जाओ जन्नू में चले जाओ। मैं जिस मखलूक की पूजा की जाएगी, पूजा करने वाला भी जन्नू में, जिसकी पूजा की जाएगी वो भी जन्नू में। इसे तो रोजा मुबारक को सब तरफ से खड़ा किया। मेरे दोस्तों हदीसें सुना रहा हूं आपको, ये मेरे दोस्तों अल्लाह की बात सुनना। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह ही बड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कह रहे देखो कि मैं 100 शादियां करूंगा 100 बच्चे मुजाहिद बनाऊंगा। अल्लाह ने एक बच्चा नहीं होने दिया, मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। ऐ सुलेमान आज के बाद जो कहना इंशाल्लाह कहना, तेरे कहने से भी कुछ नहीं। जब नबी के कहने से कुछ नहीं होता तो हमारे से हो जाएगा? इब्राहिम साहब बच्चे में छुरी चला रहे, नहीं कट रही, नहीं कट रही, 4000 आदमियों की ताकत होती नबी में। अल्लाह ने इब्राहिम तू जितनी मर्जी जोर से चला ले, जब तक अल्लाह का हुक्म होगा तू भी छुरी से कुछ नहीं बचेगा। ऐ नबी की पूरा जोर लगा दो, तुम दावत दो, लेकिन तुम्हारे हाथ की हिदायत है, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में। 12 में से 10 चचा ईमान ले जाने। मेरे दोस्तों हम बहुत ज्यादा अंदर अल्लाह का गैर भरा हुआ है, तभी तो मस्जिद को आबाद नहीं कर रहे, शिर्क है। अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, ये हमें सुनना पड़ेगा। और अल्लाह फरमाते हैं ईमान तकवा आता है अल्लाह की बड़ाई सुनने से और अल्लाह की बड़ाई करने से। सारे लोगों से पूछा, अरबों से पूरे कुरान में ईमान पहले आया, ईमान अमल, ये वाहिद आयत है जिसमें अमल बाद में। कुन तुम खैर उम्मतिन उखजत नास तामरुन बिल मारूफ, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारी इंसानियत में निकाली गई हो ताकि तुम नेकी का हुक्म दो बुराई से रोको और तुम ला। और जब तुम ये काम करोगे अल्लाह की जात पे तुम्हारा ईमान बढ़ेगा। ईमान दावत से बढ़ता है। आज जब दावत ही छोड़ दी,
इस उम्मत का मकसद दावत वही छोड़ी जाती है। मेरे दोस्तों तकबीरे तहरीमा के बगैर नमाज नहीं होती, दावत के बगैर इस्लाम भी नहीं। पहला हुक्म दावत है, कुन फाज़िल व रब्बका फकब्बर, नमाज तो घर में सब फर्ज हुई है पांच। पहला हुक्म दावत है, नबी उठो दावत दो। दावत किसका काम है भाई? नबियों का बाद में अल्लाह का पहले वल्लाहु यदउ इला दार सलाम, सबसे पहला दाई अल्लाह है। सबसे ऊंची गर्दन कयामत में किसकी होगी? मौज़िन की। मौज़िन दाई होता है। सारा कुरान डालो, किसी नबी की नमाज दे, किसी नबी की इबादत दे, सारे नबियों की दावत और दावत की तकलीफें, इस उम्मत से दावत ही छूटी। इसलिए अल्लाह ने दावत और बगावत छोड़ा। दावत के बाद दुआएं कबूल होती हैं। आजाद दावत अता में दावत आजाद के बाद दुआएं कबूल होती हैं। आज खतरा जब मेरी उम्मत दावत को छोड़ेगी, अल्लाह जालिम हुक्मरान को मुसल्लत करेगा। किसी दुआ को कबूल नहीं करेगा, दुश्मन के खिलाफ मदद नहीं करेगा, कुरान की समझ से महरूम कर देगा और आपस में खून रेजी कराएगा। आज सब कुछ हो रहा है।